शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़े में लिपट रहे हो, रात को कयाम किया करो मगर थोड़ी सी रात, यानी निस रात या उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। हम अन करीब तुम पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे। कुछ शक नहीं कि रात का उठना नफ्स बहीमी को सख्त पामाल करता है, और उस वक्त जिक्र भी खूब दुरुस्त होता है। दिन के वक्त तो तुम्हें और बहुत से शगल होते हैं, तो अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक होकर उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वही मशरिक और मगरिब का मालिक है, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसी को अपना कारसाज बनाओ। और जो जो दिल आजार बातें ये लोग कहते हैं उनको सहते रहो, और अच्छे तरीके से उनसे किनारा कश रहो, और मुझे उन झुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो, और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और भड़कती आग है, और गुलूगीर खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन जमीन और पहाड़ कांपने लगे और पहाड़ ऐसे भुरभुरे गोया रेत के टीले हो जाएं। ऐ अहले मक्का, जिस तरह हमने फिरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह तुम्हारे पास भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भेजे हैं, जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। सो फिरौन ने हमारे पैगंबर का कहा ना माना, तो हमने उसको बड़े बवाल में पकड़ लिया। अगर तुम भी इन पैगंबर को ना मानोगे तो उस दिन से क्यों कर बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, और जिससे आसमान फट जाएगा, ये उसका वादा पूरा होकर रहेगा। ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले। तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथ के लोग कभी दो तिहाई रात के करीब, और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात कयाम किया करते हो, और खुदा तो रात और दिन का अंदाजा रखता है। उसने मालूम किया कि तुम उसको निभा न सकोगे, तो उसने तुम पर मेहरबानी की, बस जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो। उसने जाना कि तुम में बाज बीमार भी होते हैं, और बाज खुदा के फजल यानी मुआश की तलाश में मुल्क में सफर करते हैं, और बाज खुदा की राह में लड़ते हैं, तो जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ लिया करो, और नमाज पढ़ते रहो, और जकात अदा करते रहो, और खुदा को नेक और खुलूस नीयत से कर्ज देते रहो, और जो अमल नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको खुदा के यहाँ बेहतर और सिले में बुजुर्ग कर पाओगे, और खुदा से बख्शिश मांगते रहो, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है।